नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एक नई वैकेंसी निकाली है, कैलेंडर अपडेट किया है। उस कैलेंडर में आप देखेंगे छठवें नंबर पर जो भर्ती है उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर इसकी बात करें, समूह दो के अंतर्गत सहायक वर्ग तीन वाली वैकेंसी है। सबसे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में बता दूँ कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन इसके फॉर्म भर पाएंगे, ये इस वीडियो में पूरी आप डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाला हर अपडेट आप तक मिल सके। ये भर्ती सितंबर में होगी। इसके लिए मैं आपको बेसिक योग्यता बता देता हूँ, 12th पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, और प्लस आपके पास CPCT होना चाहिए। मतलब अगर हमारे ITI में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टेनो वाले बच्चे हो गए आपके, और सबसे अच्छी जो वैकेंसी मैं बताऊंगा आपको, तो कोपा से अगर आपने ITI कर लिया है, कोपा के बाद अगर CPCT आपने निकाल लिया है, और CPCT सिर्फ हिंदी के साथ, CPCT विथ हिंदी टाइपिंग आप पास हैं, तो आप ये वाली भर्ती या ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भर्ती सितंबर में होने वाली है। आपने अगर कंप्यूटर में कोपा किया है, कोपा के अलावा एक वर्षीय डिप्लोमा और भी होते हैं, DCA हो गया, PGDCA हो गया, BCA, MCA, BSc हो गया, कंप्यूटर साइंस है भाई, इंजीनियरिंग है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं समूह चार के अंतर्गत। मिनिमम योग्यता ये है कि 12th प्लस आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, एक साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, CPCT पास होना ज़रूरी है इसमें जो पद रहेंगे उनके लिए। तो इस वैकेंसी का आपको अगर इंतज़ार था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलती, अभी पिछली भर्ती की ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये वाली भर्ती भी बहुत जल्द होगी। सभी विभागों में काफ़ी रिक्त पद हैं, तो इसको सरकार को भर्ती करना ज़रूरी है। अब इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे, पहले तो योग्यता आपको मैंने बता दी, अभी पिछला जो पेपर हुआ है उसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे, हिसाब से तैयारी करेंगे, और इसमें कंप्यूटर पार्ट ज़्यादा है, और उसको आपको ध्यान देना है। बेसिक्स जो आपको, आप साई ग्रेड तीन बनेंगे, क्या आपके अंदर योग्यता रहनी चाहिए उसके हिसाब से आप तैयारी करें। ऑफिस में क्या काम होते हैं, प्रैक्टिकली आप थोड़ा इसको सर्च करें कि इसके क्या काम होते हैं, उसके हिसाब से आप देखें कि आप जो नॉलेज रखते हैं वो उसके लेवल की है या नहीं है। तो और इसके पुराने पेपर कुछ और भी हम इसमें आगे आने वाली वीडियोज में बताएंगे किस तरीके से इस भर्ती की तैयारी करें, और पहले ही प्रयास में आप सिलेक्ट हो जाएं। इस वीडियो को ITI कोपा पास आउट या जो कोपा में स्टडी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि वो हमारे ITI के बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकें और एक सरकारी पद पर चयन हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।